अब खबर हल्द्वानी से है, जहां चार दिवसीय उत्तराखंड बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। वहीं पूर्व राज्य स्तरीय बैडमिंटन खिलाड़ी और उत्तराखंड सदस्य जिला योजना कार्य समिति तन्मय रावत ने बताया कि चार दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट दमुआ में खेला जाएगा, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, खटीमा और आसपास के राज्यों से 8 से 17 वर्ष की आयु के बालक और बालिकाएं हिस्सा लेंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अगस्त में 2, 3, 4, 5 को चार दिवसीय हमारा उत्तराखंड ओपन बैडमिंटन कप होने जा रहा है, और जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के लगभग 12-13 जिलों से और अभी उसके आसपास जैसे दिल्ली और फरीदाबाद और नोएडा, इन जगहों से भी, पंजाब से भी अभी हमारे पास प्लेयर आ रहे हैं। और प्रयास करते हैं हम बच्चों को खेल से जोड़े रखने का, और इसमें अभी हमने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मेडल्स, अभी ओलंपियाड मेडल्स दिल्ली से हम जो, ये चार दिवसीय कार्यक्रम रहेगा, इसमें बच्चों को मेडल्स, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार के रूप में भी हमने इसमें नगद 1,60,000 रुपये प्राइज मनी भी बच्चों को रखी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2 अगस्त से 5 अगस्त तक उत्तराखंड राज्य बैडमिंटन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन है। इसमें विशेष रूप से कराने में हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी श्री नीतीश जी और श्री तन्मय रावत जी का विशेष योगदान रहता है हमेशा। और जैसा कि आपने पूर्व में भी देखा होगा कि यहाँ पर जो भी बैडमिंटन टूर्नामेंट होते हैं वो राष्ट्र, चाहे राज्य स्तर के हों चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों, बहुत ही उच्च स्तरीय प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की जाती हैं, और इस बैडमिंटन के माध्यम से कई उभरती हुई प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करती हैं। कि हमारे कैप्टन रावत जी हर बार की तरह इस बार भी उत्तराखंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट करवा रहे हैं, जिसमें हर आयु वर्ग का बच्चा खेल रहा है। 8 से 9 साल से आयु वर्ग से स्टार्ट होकर अंडर 17 तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट आपके करेंगे। पहली बात यह है कि ये खुद भी अपने आप में आपके प्लेयर हैं, और इनका मकसद यही आपके रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर प्रतिभाग आपके करें और हमारे पूरे क्या कहते हैं उत्तराखंड का नाम रोशन हो। इसमें हमारे हर कहते हैं प्रदेश से बच्चे यहाँ पर खेलने आएंगे, और हर बार की आपके तरह इस बार भी ये अच्छे से अच्छा टूर्नामेंट करवाने की कोशिश करेंगे।